हमारी बद्रीनाथ की यात्रा में हम रात को यहीं पे रुक लिए थे, मतलब यहीं पे हमने रात इस यहीं रात को गुजारा था चमोली में। तो हमने जैसे यहाँ से बद्रीनाथ के लिए जो रास्ता कनेक्ट करता है तो उसी में एक यहाँ पे एक छोटा सा होटल था, वहाँ पे खाना वाना खाया। और साइड में ही हमने एक छोटा सा लॉज था, तो उसमें हमने कमरा लिया, बहुत ही बड़ा कमरा। यहाँ पे थोड़ा कमरा वगैरह बहुत सही था, अच्छा साफ सफाई। यहाँ पे हम बहुत मतलब रिलैक्स होकर रात भर सोए, और अरु और क्या नाम, अरु भैया और सोहन दोनों नहा रहे हैं, दोनों नहा धो फिर हम लोग रेडी होते हैं, फिर फटाफट से यहाँ से निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। और यहाँ पे होटल वगैरह काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाता हूँ आगे का यहाँ का व्यू। इसका होटल का नाम ही शायद हिल व्यू नहीं, सॉरी रेस्टोरेंट का नाम है। यहाँ पे जहाँ पे हमने खाना खाया था, ढाबा टाइप का रेस्टोरेंट है, उसका नाम है हिल व्यू रेस्टोरेंट। हाँ, हिल, डिनर लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो हम लोग यहाँ से फटाफट रेडी होकर 7 सवा 7 बजे हम लोग सीधे यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकल लेंगे, और फिर आगे चलते हैं। और आपको यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट का, यहाँ का लॉज से डायरेक्ट व्यू दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा लॉज का व्यू है, और काफ़ी अच्छा है, पहाड़ी पहाड़ और वेदर यहाँ काफ़ी अच्छा है। तो मतलब ठीक है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा, ऐसे ही जगह में बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और ये हमारा कमरे का व्यू, धुआं ही धुआं सिगरेट बीड़ी का। तो हम चुके हो चुके हैं फ्रेश, बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए यहाँ से सीधा बद्रीनाथ के लिए। और ये सोहन भी रेडी हो चुका है, अरु भैया भी रेडी हो चुके हैं। हम लोग फटाफट करते करते हैं चाय वाय पी के फटाफट निकलते हैं यहाँ से। अरु भैया, चलो मैंने भी जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया था उसका मॉर्निंग व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो तो मॉर्निंग व्यू है पीछे से, बिल्कुल जबरदस्त पहाड़ी पहाड़ है, और वो नदी भी बह रही है आपको। वो देखो वहाँ से नदी बह रही है सीधा, मतलब नदी पानी जाने का बहुत तेज तेज आवाज़ आ रहा है। और रेस्टोरेंट का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी हम सुबह चाय पीने के लिए आए हैं यहाँ पे, सो देख लीजिए, बहुत ही गजब है, बहुत ऑसम मस्त। और पहाड़ों की तो बात ही कुछ अलग है ना, आपको पता ही। ये सोहन, ये रुबिया, और ये हमारी चाय। कुछ खान किसके? ओ ये दुकान चार घंटा चली जिसने इस तो के खान चुकी ना खाना खान चुकी बना दे सही से। तो अभी हम लोगों को जो चाय मिला मैंने बहुत ही गजब का चाय है। और भी आपने चाय वाय पिया, कैसा लग रहा आपको चाय? चाय का बताओ, है ना कड़क है ना सोल्टा? आप भी हाँ होटल, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जहाँ हमने खाना वाना खाया था उसके ठीक सामने रेस्टोरेंट चमोली है, जगह का नाम। तो अगर आप यहाँ से चमोली होते हुए अगर आप चोपता जाएंगे, चोपता से फिर जो जो रास्ता मिलेगा आपको बद्रीनाथ के लिए, और हाँ वो सीधा ये चमोली वाला रास्ता है ना, चमोली होते हुए तो आपको जो रेस्टोरेंट का आगे हरिद्वार से बहुत दूर पड़ जाएगा घर से। हाँ वो तो है, तो आपको दिखाता हूँ आगे का सामने का लॉज। वो यही लॉज है जिसमें हमने स्टे किया था, वो हमारा थर्ड फ्लोर पे था रूम, सेकंड फ्लोर पे, तो काफ़ी अच्छा था। और ये लॉज का नाम है नारायण लॉज, उसके नीचे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं और सोहन चाय का मज़ा लेते हुए, और ये देखो सामने का और नेचर देखो, पहाड़ पहाड़, मतलब पहाड़ों में पता है आपको सिस्टम क्या होता है। चाय पी रहे तो होटल में बैठ के क्या पीना यार, ऐसा नेचर हमें वहाँ देखने को नहीं मिलेगा ना। मतलब जब भी बद्रीनाथ जाओ तो ये चमोली वाले रास्ते में इस जगह में जरूर रुकना, क्योंकि यहाँ का खाना भी आपको बहुत अच्छा था, है ना, घर जैसा खाना था, रोटी आलू मटर की सब्जी, दाल एंड राइस, अचार साथ में चटनी, बहुत बढ़िया था। और रात को हमें जो लॉज मिला था वो भी कितना 800 रुपये का था ना, 800 रुपये का था मतलब कमरा, हाँ 3 बेड लगे हुए, इतना बड़ा रूम और तीनों अलग अलग बेड में सोए, 6 ब्लैंकेट रखे हुए, इतना मतलब सब कुछ, और साफ़ सुथरा अलग से, गीज़र लगा हुआ, सब कुछ अच्छा है, मतलब यहाँ पे बहुत ही बेस्ट। मैं आपको यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आओ इधर कहीं आसपास में इधर ही रुकना।
केदारनाथ से ज्यादा इंटरेस्टिंग रास्ता है बद्रीनाथ का, लेकिन ना ये रास्ता भी खुला है मेरे को लगता है, ये बंद था जब शाम को केदारनाथ में बाहर ऊपर पहाड़ में ग्लेशियर जमा ना भाई बर्फ वगैरह, तब क्या नजारा था वो। हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और हमें पता करना है प्रसाद वरसाद कहाँ से लेना है, प्रसाद वरसाद लेने के बाद सीधा जाएंगे दर्शन करने के लिए। सो चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं सारे मंदिर की ओर, तो देखते हैं। ना हम लोग मंदिर के रास्ते आ चुके हैं और यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करने की जगह है, मतलब शॉल वगैरह ठंड का सारा सामान वगैरह मिलता है, आप ले सकते हो यहाँ पे। सो अभी मंदिर के रास्ते हैं, अभी आपको दिखाते हैं आगे का। हर दिवाली एक पानी तक पीना पूरा, तो उपवास बसेरा पूजा पाठ कर शाम में एक बार खान जो चुन। यहाँ पर खाने की खुशबू राम राम गाय रखे थे नहीं, अब नहीं माँ से दिमाग एक दिन कार और चलाना सीखना, हम ले भी अपने पर्सनल लेने चाहिए माना चल कर काम लेने का बिल्कुल चलाने तो आन चाहे बस पहाड़ में चलाना आना है। अब वो देख सुन, सो बद्रीनाथ के यहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वो चेक कराना पड़ता है, जिससे एक पर्ची वर्ची निकालते हैं वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो अगर अभी क्योंकि भीड़ नहीं है वैसे तो ज़्यादा चेकिंग नहीं है, अगर आप लोग अभी आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर लेके आना अपना, ज़रूर से ज़रूर। सो वहाँ बैठे हैं हमारे बाबा, वो है मंदिर, आप देख सकते हैं। हेलो, तो प्रसाद वगैरह भी हमने ले लिया है, 100 रुपये का प्रसाद इसमें है अभी, और हम लोग चप्पल उपल खोल के भी जा रहे हैं मंदिर की ओर। खैर अभी तो कह रहे ज़्यादा भीड़ है नहीं, तो सिर्फ चलते हैं अभी। सो हमने अभी दर्शन कर लिया है, तो ये अभी मंदिर का पीछे का है हिस्सा, मतलब देख लीजिए, और ये है मंदिर जहाँ पर हमारे बाबा बद्रीनाथ जी हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है। सो मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मतलब पहाड़ों के बीच में ठंड बहुत है, हवा बहुत चिल करती, हम तो वैसे कपड़े में हैं मतलब ठंड तो लगी रही है। अब यहाँ से चलते हैं सीधा, आपको दिखाते हैं इधर में मंदिर में क्या क्या सीन है और कैसे कैसे हमें पूजा होती है। ये देखो ये मंदिर है, और यहाँ पे जो दिया जाता है हम लोग दक्षिणा चाहते हैं वो काउंट हो गया इधर, ठीक है। और ये हमारे हनुमान जी हमारे मंदिर है,
माता मंदिर। हमने टीका वगैरह सब कुछ लगा लिया है और हमने एक सेल्फी भी ले ली। ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये बाबा बद्रीनाथ का धाम है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पहुँचना भी है और बारिश ना हो हम यही सोचेंगे। सो बाबा सब ठीक करेंगे, कोई नहीं, बाबा जी की कृपा जिस पर रहेगा सब सही होगा। जय जय शंभू, हर हर महादेव, आपसे मिलते हैं। चलो एक बार आप यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, जो हमारे मंदिर बद्रीनाथ का व्यू है। बद्रीनाथ के गलियों में और आपको यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करना हो, जैसे कुछ भी सामान माला प्रसाद वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे आपको दिखा। सो मैंने यहाँ से कभी एक माला परचेज किया है, ये वाला मेरे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ से ख़रीदा। सो आप लोग भी आके यहाँ पर ले सकते हो। और ये देखिए, और यहाँ सारी गलियाँ हैं, आप सारा सामान वगैरह ले सकते हैं यहाँ से जो भी चाहिए। ये देखिए, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रुद्राक्ष मालाएँ आपको मिल जाएंगी। सो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो अलकनंदा नदी के ऊपर, ये जो बह रही है वो अलकनंदा नदी है। ये सीधा जाते हुए सब हरिद्वार इसीलिए यही सब मिलते हुए उतना तो पता नहीं, तो वहीं पर मिलते हुए जाते हैं। और यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा यार। तो चलो उधर चलते हैं, आगे आपको लेके चलते हैं। और यहाँ का जो अभी का वेदर बता रहा हूँ मैं, जुलाई का वेदर, यहाँ इतना ठंड है, मतलब आप ये लगा सकते हो यहाँ सितंबर अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर या फिर दिसंबर में कितना यहाँ पे माने बर्फबारी होती है, मतलब तब तक तो फिर बंद हो जाती है शायद, आई थिंक बंद हो जाती है। पर फिर भी, और ये रहा सामने आपका अलकनंदा नदी जो बह रहे हैं, हम इसके ऊपर से गुजर रहे हैं कि सामने एक फुटवेयर ब्रिज बन रहा है। सोहन और भैया अभी शॉपिंग कर रहे हैं आगे दुकान पे और मैं बैठा हुआ हूँ। तो बस मैंने ये माला देखो पहन लिया है, भोलेनाथ का त्रिशूल वाला। तो कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बस निकलेंगे अब यहाँ से और धूप में बैठा हूँ, धूप बहुत ही ज़बरदस्त धूप हो रही है। सो निकलते हैं ना, निकलेंगे यहाँ से अब, पहले उनको शॉपिंग कर लेने दो तो हम फिर निकलेंगे। असली को इससे आए थे हम लोग, मंदिर ठीक हमारे पीछे जो देख रहे हो मंदिर। देखा
सो यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होगा। सो निकल चले हैं हम अपने मंजिल की तरफ। सो आपको दिखाते हैं। फिर हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे निकल रहे हैं बद्रीनाथ से, दर्शन वर्शन कर लिया हमने, सब कुछ प्रसादी कर लिया। 2 किलोमीटर और यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर आगे एक माना गांव है, जो बोलते हैं इंडियन विलेज का सबसे लास्ट गांव है। तो हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है और उधर का सड़क भी बहुत ज्यादा खराब है बारिश के कारण, इसलिए हम वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब कभी नेक्स्ट टाइम भोले बाबा का अगर आशीर्वाद रहा आएंगे तो जरूर स्पेशली माना गांव जाएंगे बद्रीनाथ करने के बाद, स्पेशली माना गांव जाएंगे अगर नेक्स्ट टाइम बाबा का वो रहा तो, कृपा रहा तो। तो चलो बाबा कृपा था इसलिए हम यहाँ तक आए हैं और आगे तक भी आते रहेंगे, और कृपया करके आप लोग भी आते रहो, बहुत ही अच्छा है बाबा का आशीर्वाद। सो चलो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। वो देख भाई ग्लेशियर तो बर्फ बर्फ जम गया पूरा ना, देखो जमा हुआ है ऐसे ही, ये बहते बहते जम जाते हैं, ज्यादा ओस पड़ता नहीं। अरे ऊपर सारा का सारा बर्फ है। हाँ उल्टा लगाया मैप फेप लगाया, कहाँ जा रहे हैं, किधर से यार, मेरा चार्ज नहीं है। जो ये रास्ता जा रहा सीधा आपको बद्रीनाथ के लिए, वहां से आगे से जो है वो सीधा हेमकुंड के लिए चला जाता है रास्ता, बाबा हेमकुंड के लिए। और आपको दिखा रहा हूँ, और ये हेलीपैड है जो सामने दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हेलीपैड से सीधा अगर जैसे आपको हेलीकॉप्टर करना हो तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, और वैसे गाड़ियां भी जाती हैं सर, टैक्सी वगैरह और बाइक वगैरह से भी लोग ट्रेवल करते हैं बाबा हेमकुंड के लिए। सीधा रास्ता बहुत ऊंची चढ़ाई में, और यहाँ सामने हेलीपैड दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर करके भी लोग जाते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ का कुछ सीन ऐसा देख लो, जहाँ के लोकल लोग रहते हैं, मतलब पहाड़ों की तो बात ही कुछ अलग है। ये देखो ये लोग रहते हैं यहाँ पे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये सामने मेरे ख्याल शायद अलकनंदा नदी है। सो गाइस यही रास्ता है जो हम लोग अभी गए थे बद्रीनाथ के लिए, और बद्रीनाथ जाने टाइम में एक रास्ता इधर हेमकुंड की ओर मुड़ जाता है, जो आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता पूरा हेमकुंड के लिए जाता है, ये अलग ट्रैक हो जाता है, आपको पूरा अच्छे तरह